बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि इसका डाला आपको अंदर से देखना है, तो वो भी हम आपकी इच्छा जो है पूरी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा मोटर्स की एसके 460 टिपर, इस गाड़ी के बारे में। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये रही टाटा मोटर्स की 460 टिपर। तो दोस्तों इसका आगे वाला जो पार्ट है वो बेसिक 407 का है, टाटा मोटर्स की 407, जो आपको पता ही होगी कि 1986 से भारत की सड़कों पर राज कर रही है गाड़ी। एंड इसका सेल्स फिगर अभी भी बहुत ही ऊपर रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना किया गया है कि इसके जो पीछे वाले साइड पे है टिपर बॉडी अटैच की गई है, जो एलिवेट होती है, टिप होती है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है इसमें इस्तेमाल होता है। इस गाड़ी में दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों। पहला वेरिएंट जो है फुल्ली बिल्ट टिपर का, जो कि 2.6 क्यूबिक मीटर यानी कि एक ब्रास में आती है। और दूसरा इसका वेरिएंट है वो है केबिन विथ चेसिस, जिसमें आप जैसे चाहिए वैसी बॉडी आप बाद में बना सकते हैं। ये जो गाड़ी है दोस्तों टिपर चेसिस, ये 6 व्हील्स में आती है। आगे की तरफ 2 व्हील्स है और पीछे की तरफ 4 व्हील्स का सेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो इसका 407 वाला केबिन है, ये इसका अल्टीमेट यूएसपी है, अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट। 1986 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तब से अब तक यानी कि 2019 तक इसके सेल्स फिगर बहुत ही बढ़िया रहे हैं। 4 टन के GVW के सेगमेंट में ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसका मेन यूएसपी पॉइंट इसका SFC केबिन, जिसका फुल फॉर्म है SFC यानी कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल, जिसकी वजह से सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी जो है बहुत एनहांस होती है। जब भी आगे से कोई टक्कर होती है तो ड्राइवर तक ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इसका जो आगे वाला नोज़ है, जिसे हम नाक कहते हैं, और नाक वाली गाड़ी भी इसे हम कहते हैं, तो वो जो नाक है सारा जो धक्का है वो सह लेता है और जो ये है वो अंदर तक नहीं पहुंचता। तो ड्राइवर के लिए बहुत सेफ्टी ये केबिन माना जाता है। तो इसके फ्रंट शो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्राइमरी इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा और एडिशनल इंडिकेटर यहाँ पर साइड पे दिया गया है। उसी के साथ साथ ये क्लियर लैम्प्स हेड लैम्प्स और ये मेटल का बम्पर इसमें दिया गया है, वन पीस बम्पर है। यहाँ पर नीचे इसका टोइंग पॉइंट दिया गया है, आगे आप इसके अगर आप टो करना चाहते हो तो इसे आप यहाँ से टो कर सकते हो। और दोस्तों जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया कि SFC केबिन यानी कि सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल वाला केबिन होने के कारण इसका चेसिस जो है यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, यानी कि ठोकर लगने पर जो है केबिन तक ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता और ड्राइवर सेफ रहता है। यहाँ पर टाटा मोटर्स की बैजिंग की गई है और यहाँ पर जो है क्लियर लैम्प्स हेड लैम्प्स कंटिन्यू किए गए। यहाँ पर भी आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर। यहाँ पर आपकी 407 की बैजिंग, 407 जो इसका ब्रांड है, इसके टाटा का ही खुद का ब्रांड है। यहाँ पर साइड में बहुत अच्छी तरह से रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं। तो इसके पीछे वाले हिस्से में आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो देखने को मिलेगा। ये जो है दोस्तों ये इसके ऑटोमेटिक लॉक्स है डोर के, ये डोर ऊपर की ओर खुलता है जब एक टिप होती है। यहाँ पर जो इसकी चेसिस आपको देखने को मिलेगी, बहुत मजबूत चेसिस है। यहाँ पर इसका जो है रिवर्स बजर, रिवर्स गियर वाला, एंड यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील जिसका एक्सेस यहाँ से दिया गया है। ये इसके रियर टेल लैम्प्स जो कि टाटा फैमिली के हैं, टर्न इंडिकेटर्स, हेडलाइट रनिंग लैम्प्स और ब्रेक लैम्प्स, और ये रिवर्स इंडिकेटर, ये इसकी एक नंबर प्लेट और ये इसकी सेकेंडरी नंबर प्लेट। तो आइए बात करते हैं इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। इंजन की बात करें तो दोस्तों ये वही टाटा की फैमिली का 4SPCR जाना माना 2956 cc का, यानी कि 3 लीटर वाला 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल बेस 4 इंजन है। दोस्तों ये जो इंजन है टाटा की फैमिली में बहुत सारे सालों से है और ये इंजन टाटा की 407, 709 और योद्धा सीरीज और 207 की सीरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन मैक्सिमम पावर देता है 84 HP की 2800 RPM पे और 250 Nm का टॉर्क 1400 से 2400 के RPM पे। तो दोस्तों ये जो है इसका इंजन बे है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स तक हमारे हाथ जो है इजीली पहुंच रहे हैं, यानी कि वही हुआ कि सर्विस के लिए बहुत इजी है। और ये इसका कूलेंट रिजर्वायर है, यहाँ पर इसका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है और यहाँ पर इसका बड़ा रेडिएटर है और इस तरफ इसका ड्रायर क्लीनर है। तो इंजन के मामले में तो 407 का दम आपको पता ही होगा, 1986 से 2019 तक इस गाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है। तो आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत रेंज के बारे में। तो दोस्तों ये जो 407 टिपर है, इसकी जो एक शोरूम कीमत रेंज है
वो शुरू होती है 13,40,000 रुपये से लेकर 13,80,000 रुपये के बीच में। और अगर दोस्तों आप मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के एरिया से हो और इस गाड़ी को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी इस गाड़ी के बारे में पा सकते हैं। दोस्तों सस्पेंशन की बात करें तो आगे वाले एक्सल पर सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिए गए हैं और पीछे वाले एक्सल पर जो है सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिए गए हैं और इसमें एडिशनल जो है ऑक्सिलरी हेल्पर स्प्रिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं, तो हैवी लोड भी इसे आप कर सकते हैं, ओवरलोड थोड़ी। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस की, तो इसका जो GVW है वो है 6,250 किलो का और इस गाड़ी में आप रेटेड पेलोड 3.5 टन तक का ले जा सकते हैं और थोड़ा बहुत ओवरलोड भी कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो व्हीलबेस है वो है 3100 mm। और अभी हम पीछे के बॉडी की बात करेंगे तो दोस्तों एक टिपिंग बॉडी है, तो इसमें हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है विप्रो कंपनी का और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 2.6 क्यूबिक मीटर यानी कि लगभग एक ब्रास। और इस बॉडी की जो लंबाई है वो है 9.5 फीट और चौड़ाई है 6.25 फीट। और दोस्तों ये जो बॉडी है ये 3 साइड ओपनिंग है, पीछे साइड इसका एक हिच पॉइंट है और आगे इसके 2 ड्रॉप साइड डेक यानी कि DHD दिए गए हैं। दोस्तों इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि गट्टे से ज़मीन तक का जो डिस्टेंस है वो है 210 mm का और इस गाड़ी में आपको 16 ply रेटिंग वाले R16 टायर्स कंपनी फिटेड दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस गाड़ी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो इसका डोर यहाँ से हम खोलेंगे और जैसे हमने डोर खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इजी एक्सेस के लिए एक फुटरेस्ट दी गई है, तो बड़ी आसानी से हम इसके अंदर जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर जो है आ गए हैं और थोड़ा जो इसका सीट हम अभी पीछे करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये इसका स्पीडोमीटर है, तो इसके स्पीडोमीटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टर्न इंडिकेटर्स, कोल्ड हॉट टेम्परेचर और कितने किलोमीटर गाड़ी चली है यानी कि ओडोमीटर दिया गया है। उसी के साथ साथ ये इसका स्टीयरिंग है, यहाँ पर इसके वाइपर के कंट्रोल्स है और यहाँ पर इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है, यहाँ पर एक इसका आपको हेडलैम्प लेवलिंग स्विच देखने को मिलेगा। दोस्तों इस गाड़ी में आपको ब्लोअर जो है स्टैंडर्ड आते हैं 3 स्पीड वाले, तो इसके जो ब्लोअर आउटलेट्स है वो 1, 2, 3 और 4 ब्लोअर आउटलेट्स दिए गए हैं। और इस गाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण खूबी मुझे लगी है कि इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है दोस्तों आपको कंपनी की ओर से फिट किया हुआ मिलेगा। दोस्तों ये रहा इसका GBS 76 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये जो गेयरबॉक्स है वो है GBS 76 फुली सिंक्रोनस टाइप 5-speed मैनुअल 280 mm डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ, जो इस टिपर को 36.4% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता प्रदान करता है। उसी के साथ साथ ये जो सीट है दोस्तों ये 6-way एडजस्टेबल सीट है, इसमें आपको 12 volt का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, ये इसका इंजन बे है, ड्राइवर के साथ 2 लोग बड़ी इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, विनाइल फैब्रिक सीट्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर जो इसका खिड़की खोलने के लिए लीवर, इसका डोर हैंडल, डोर का लॉक, बड़े इजर रियर व्यू मिरर्स, सॉरी म्यूजिक प्लेयर ऑन हो गया था, इसके रियर व्यू मिरर्स, ये इसका ग्लो बॉक्स है, इसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। और कैबिन का व्यू तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से मीन्स आगे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है एंड व्यू काफ़ी अच्छा आता है यहाँ का। इसमें सनवाइजर्स भी आपको कंपनी फिटेड दिए गए हैं। अभी हम ये दरवाज़ा लगाएंगे एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मिरर्स है इसमें पीछे का व्यू कितना आसानी से आपको मेरा दोस्त दिखाई देगा, वहाँ पर आपको एक ज़ेनॉन खड़ी है दिखाई देगी। तो काफ़ी बढ़िया जो है गाड़ी मुझे लग रही है क्योंकि 407 जो है काफ़ी सालों से अपने मार्केट में है एंड इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो बनाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि इसका डाला आपको अंदर से देखना है, तो वो भी हम आपकी इच्छा जो है पूरी कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है पाउडर कोटेड डाला इसमें दिया गया है ब्लैक कलर का एंड इसकी जो कैपेसिटी वो है 2.6 क्यूबिक मीटर यानी कि लगभग एक ब्रास तक की कैपेसिटी इसमें आपको दी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टाटा मोटर्स की 407 SK80 पर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा हमने जल्दबाजी में बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है एंड मेरे आवाज़ से आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या हुआ है एंड उसके लिए सॉरी। आगे हम अगली बार आएंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से अगली वीडियो बनाएंगे। तो कैसी लगी है गाड़ी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AAA Diecast & व्लॉग्स ट्रक टॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।
Thank you.